प्रधान अहमदिया जमात पारदी प्रधानगी हेठ होटल प्रेजिडेंसी हुशियारपुर विखे अहमदिया मुस्लिम जमात कादियां वल्लों ईद मिलन पार्टी का आयोजन किया गया, जिस विच शहर के वख वख भाईचारियां दे लोकां ने हिस्सा लिया। हुशियारपुर के विधायक अते पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने अपने संबोधन विच कहा कि ईद मिलन पार्टी वर्गे जश्ना नाल आपसी भाईचारक सांझा प्यार अते स्नेह वधदा है अते गुआंढियां नाल दोस्ताना संबंध वधदे हन। जिथे इस्लाम मुसलमाना नू अपने साथियां अते गुआंढियां दे दुखां च शामिल होण अते उन्हां नू दूर करन दा हुक्म दिंदा है, उथे उन्हां नू अपनियां खुशियां विच शामिल होण लई वी उत्साहित करदा है। इस सिख्या दे अभ्यास दे नतीजे वजों मनुख संसार विच नया प्रणाली स्थापित कर सकदा है। इस मौके अनुराग सूद, अविनाश राय खन्ना, तुकाराम सूद, बहादुर सिंह सुनीर, सलीम सुलेमानी, सुखदेव सिंह बेदी अते अभिनव चोपड़ा ने अपने संबोधन विच आपसी भाईचारक सांझा अते प्यार दा संदेश दिता। अपने संबोधन विच अहमदिया मुस्लिम जमात दे प्रधान मुहम्मद इनाम गौरी साहब ने कहा, जमात ए अहमदिया दी स्थापना दा असल उद्देश परमात्मा नाल मनुखता दे संबंधा नू स्थापित करना अते मनुखता विच प्यार, मुहब्बत अते भाईचारे दी भावना पैदा करना है। इस मिशन नू प्राप्त करन लई अहमदिया जमात दे संस्थापक हजरत मिर्जा गुलाम अहमद प्रकट होए। इस मिशन नू पूरा करन लई जमात ए अहमदिया दुनिया भर दे लोकां दी भलाई लई काम करदी है, मुहब्बत सारिया नाल, नफरत किसे नाल नहीं ता नारा लगाउंदी है। भारत विभिन्न सभ्याचारां अते धर्मां दा देश है, जिथे लोक एक दूजे दीआं खुशियां अते दुखां विच हिस्सा लैंदे हन। ईद मिलन वर्गे त्यौहार आपसी भाईचारे अते प्यार नू वधाउंदे हन। इस नाल गुआंढियां नाल दोस्ताना संबंध मजबूत हुंदे हन अते वख-वख सभ्याचारां दे लोकां विच एकता स्थापित हुंदी है। इस मौके होरना तो इलावा कादियां जिला गुरदासपुर तो मुहम्मद हसन गौरी, अताउल मोमिन, नसरुमीन अल्लाह, सैयद जुबैर, सैयद अजीज, सलीम सुल्तानी, तरसेम दीवाना, शेख मन्नान, पुरुषोत्तम लाल दरोच, हर्षवर्धन पठानिया आदि शामिल हुए। हुशियारपुर तो प्रदीप राजा दी रिपोर्ट। आज ईद मिलन का जो पवित्र संदेश था, ये मैं कह सकता हूँ ईद मिलन का जो संदेश है ये मानवता का संदेश है। और इस सुंदर मौके पे जनाब गौरी साहब ने भी बड़ी अच्छा जो अहमदिया जमात का संदेश है और अहमदिया जमात ने जो इस्लाम की सही धारणा है उसके बारे में बात की है कि सबके साथ प्यार, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ नफरत होती है वहाँ धर्म नहीं पनप सकता। तो इसलिए कोई भी धर्म है चाहे दुनिया का, हम उसको किसी धर्म का मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर उसमें कट्टरता है उसमें मानवता का अंश फिर ख़त्म हो जाता है। तो कट्टरता कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किसी रूप में भी नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म में भी नहीं होनी चाहिए। और जो सबके लिए प्यार, किसी के लिए कोई नफरत नहीं की धारणा है, इससे उच्च कोटि की बात क्या हो सकती है। तो मैं पवित्र मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सारी मानवता को देता हूँ, अहमदिया जमात को इस बात के लिए देता हूँ कि उन्होंने उनके जरिए ये बात जिंदा रही है और पूरी दुनिया में फैली है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं इस शुभ मौके पे मेरे को भी बुलाया गया है और मैं सबको ये अपना संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। आज हमारा ईद का प्रोग्राम ये पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि कई साल से हम ये ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं। ईद मिलन का कादियान में भी, हुशियारपुर में भी, अमृतसर में भी होगा, इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में करते हैं। और इसका असल मकसद ये है कि ईद की खुशी में दूसरों को शामिल करें और इस्लाम के जो दो त्यौहार हैं दोनों ही, और किसी भी मज़हब के भी कोई भी त्यौहार हो बग़ैर क़ुरबानी के वो कोई त्यौहार का मतलब नहीं है। तो रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद एक ईद आती है और ये जो ईद है हज की इबादत के साथ है। सारी दुनिया के जो है वो मुसलमान जिनको तौफीक हो खुदा की तरफ से वो बैतुल्ला शरीफ, मक्का शरीफ जाते हैं और बैतुल्ला का तवाफ़ करते हैं, हज करते हैं, और जिनको जाने का मौका नहीं मिलता यहीं पर कुर्बानी करते हैं और ईद मनाते हैं। और कुर्बानी का असल मकसद ये है कि जिस तरह एक जानवर को हम लिटा कर ज़िबा करते हैं, इसी तरह हम जो है वो खुदा के आगे हम लीन हो जाएँ खुदा की भक्ति में और खुदा के फरमानों के आगे, जिस तरह एक बकरे को हम लेटा के ज़िबा कर देते हैं उससे भी ज़्यादा जो है खुदा के आगे हमको जो है ना वो कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये मकसद है। वरना ये कुर्बानी का गोश्त और खून जो है खुदा को नहीं पहुंचता, बल्कि उसके पीछे जो इंटेंशन है, जो नीयत है, जो जज्बा है वो खुदा को पहुंचता है। तो ये सबक है
जो मुसलमानों को समझना चाहिए, जो हज पे जाते हैं, जो यहाँ पर ईद करते हैं, यही जमात का पैगाम है कि असल जो ईद की जो रूह है, जो कुर्बानी की रूह है, उसको समझना चाहिए। और उसको वो यही है कि खुदा की सच्ची इबादत करो, और उस इबादत का हक उसी वक्त अदा हो सकता है जबकि मानवता की, इंसानियत की खिदमत और सेवा की जाए। सो दोस्तों, आज बहुत ही काबिले मुबारक दिन इस करके मैं कह सकता, क्योंकि अज दुनिया की वो जमात जिन्हों एमी दे जमात कहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया च विश्व शांति मिशन लैके पूरे दुनिया में प्रोग्राम किए जाते हैं। उस लड़ी तहत इन्होंने अज हुशियारपुर विखे ईद मिलन के रूप में शांति मिशन का प्रोग्राम करवाया, जिद मैनू हाजिरी लवाने का मौका मिले। सो अज मेरे नाल जनाब गौरी साहब जो कि इतने के मुख्य प्रबंधक ने, नाल साडे आबदीन साहब जिहड़े इंचार्ज ने पंजाब दे, इन्हां दे सद्दे पत्र ते मैं आ सका ते मैनूं बहुत ही वधिया महसूस होया, क्योंकि मैं पिछले 7 सालां तों भारत विच एज ए पीस एंबैसडर सांझीवालता शांति मिशन और भाईचारक सांझ दे फलसफे का प्रचार प्रसार करन दा काम करदा वां, जिहदे करके मैनूं पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री साहब ने स्टेट अवार्ड भी दिता। इस स्टेट अवार्ड तद ही असी वाकई एक जिम्मेदारी निभाइए समाज में, और अज इस प्रोग्राम में गल्लां बातां तां बहुत होईयां, पर मैं भी अपने वालों भी इस प्लेटफॉर्म तक छोटा जिहा मैसेज जरूर दूंगा कि आओ धार्मिक सहनशीलता नूं बधाईए और समाजिक जिम्मेदारी की भावना अपने अंदर पूर्ण करिए, तां करके असी धार्मिक सद्भाव और समाजिक सद्भाव नूं जोड़ के एक नवें समाज की सिरजना करिए, जो साडे रहबरां ने, जो साडे पैगंबरां ने, जो साडे अल्लाह पाक ने सानू ड्यूटी दी है।